नमस्कार। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यानी नवंबर 10 को वर्ल्ड साइंस डे ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जिसे यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त हुई है और वो ये दर्शाता है कि साइंस का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस बात पर एक डिस्कोर्स करने की कोशिश करवाता है, एक डिस्कोर्स करना चाहता है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के समाज के साइंस से रिलेटेड हुए उन पर साधारण जन बातचीत करें। इस इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में आए हुए हैं और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर पवन मौर्य। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर मौर्य एक जाने माने बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। आप बहुत वर्ष विदेशों में रहकर पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस आपकी अभी तक आ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि जैसा अक्सर कहते हैं कि बेसिक लेवल पे जो पढ़ाई की जाती है या कोई भी चीज़ अगर अपने बेसिक्स से स्टार्ट की जाए तो वो उसका अंत में परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो अगर क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए जिससे प्राइमरी स्कूल लेवल पे या सेकेंडरी स्कूल लेवल पे साइंस को और पॉपुलराइज किया जाए बच्चों में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दूरदर्शन का जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और हम अपने लैब में जो हम लोग करते हैं वो कैसे जनमानस तक पहुँचे, एक कॉमन मैन को कैसे हम विज्ञान के बारे में बताएँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं, जब विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में देखेंगे कि जब से हम जगते हैं और जगने से लेकर सोने तक में हमारी विज्ञान हर जगह पर है। अब जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ क्या है कि अभी हम बच्चों को ज़्यादा फोकस करते हैं इस बुक्स का ज्ञान देने के लिए, वो पढ़ते रहते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। तो उनको सहज समझाएँ ये बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि ये हमारी भारत सरकार ने इसकी तरफ प्रयास शुरू कर दिया है। कि पहली चीज़ बहुत अच्छा जो एक अभी इन्होंने शुरू किया है कि अब हम लोग लोकल लैंग्वेज जो हैं उनमें हम बच्चों को ज्ञान देंगे। जी, और अब उसमें क्या किया जाता है कि जैसे अब हम कहें कि एक सूक्ष्मदर्शी है, उसको बताने में पढ़ाने में एक अलग उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जब बच्चा उसको देखेगा तो वो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को देखें। जैसे हम अगर विदेशों की बात करें, जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, जो कि बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं लेकिन उन्होंने इतना प्रोग्रेस क्यों कर लिया? अगर हम उनकी प्राइमरी एजुकेशन को देखें तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं शुरू में ही। ताइवान में वहाँ पर एक वर्ष तक रहा, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों में बेसिक एजुकेशन का ज्ञान होता है। तो साइंस को जब तक कि बच्चा उसको महसूस नहीं करेगा, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और अब हमारी भारत सरकार ने इसकी तरफ बहुत प्रयास शुरू कर दिया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई है जिसमें उसने कहा है कि अब ये सारे ज्ञान जो है उनको लोकल लैंग्वेज में भी दिए जाएंगे, जो कि बच्चे को अब हरियाणा में है तो हरियाणवी में वो अपने चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे जो भी विषय हैं उनके बारे में वो ध्यान देगा। दूसरा जो है, मुझे लगता है कि अब कंटेंट जो है इसको प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा मीडिया में भी बहुत जाने की ज़रूरत है। अभी तक क्या है, विज्ञान को हम एक किताबों में ही लग के रखते हैं तो एक जनमानस तक नहीं पहुंचता है। तो जनमानस तक उसको पहुंचाने के लिए हम ऐसा कंटेंट डेवलप करें जो कि मीडिया में जाए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे जो मीडिया हो। तो उसमें क्या होगा कि एक कॉमन पीपल्स जो हमारे जनमानस हैं वो उसको पढ़ सकेंगे और उसको समझ सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी, और निश्चित तौर पर जो भारत सरकार ने ये प्रयास चालू किया है कि अब उनके कोर्स कंटेंट में भी परिवर्तन होगा तो उससे क्या होगा कि वो विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरीके से हम साइंस को पॉपुलराइज भी कर पाएंगे और एक बच्चे को जैसे साइंस को वो प्ले करे, जैसे बच्चे खेलने में बहुत अच्छा लगता है तो वो अगर साइंटिफिक चीज़ों को खेले तो ही बहुत अच्छा है। हम आपको एक उदाहरण भी देना चाहेंगे कि अभी जैसे CCMB है, CSIR की एक इंस्टीट्यूट है, वो इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने ओपन सिस्टम कल्चर को अडॉप्ट किया है। उसमें क्या है कि बच्चा जो है अगर वो उस रिसर्च लेबोरेटरीज़ को देखना चाहे फ्रीली जा सकता है, कोई यूनिवर्सिटी देखना चाहे वहाँ पर जा सकता है, वहाँ क्या क्या
इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं उनको देखना चाहे तो उनको देख सकता है। यानी कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बच्चों के लिए नहीं है? नहीं है, वो अपनी उत्सुकता शांत कर सकता है, वो अपनी उत्सुकता शांत कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि अब बच्चे को मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में उसको ऐसी जिज्ञासा है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने इतना अच्छा प्रोविज़न कर दिया है कि बच्चा जाके देखे, उससे सीखे, तो उसको क्या होगा कि हम ये कहते हैं कि कोई बहुत सारे दार्शनिक प्लेसेस होते हैं, बच्चा जब तक वो देखेगा नहीं उसको, हम चाहे तब तक बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, लेकिन जब तक वो महसूस नहीं करेगा, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे है उसको महसूस करे, उसको देखे, जिससे कि हम साइंस को आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो हैंड्स ऑन अप्रोच अगर हम कहेंगे तो उसका जो पहले अभाव था उसको पूरा किया गया, तो अब मुझे लगता है इससे वाकई जो छोटे बच्चे हैं उनमें साइंस को लेकर थोड़ी एक इंथुसियाज्म जिसे हम कहेंगे वो आएगा। ये तो रही बात बच्चों की, अब क्या है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, उस पर कुछ एक प्रेशर होता है पेरेंट्स की वजह से भी कि वो एक वोकेशनल कोर्स ले ले, और आजकल उपभोक्तावाद का ज़माना जिस तरह से चल रहा है तो लोग ये चाहते हैं, खासकर जो यंगस्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपना वर्कफोर्स का हिस्सा बने। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है या जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें मैं ये देख रहा हूँ आजकल के लोग जो यंगस्टर्स हैं उनका थोड़ा झुकाव कम हो रहा है। तो जो यंगस्टर्स हैं यानी जो 18-19 साल का जो एक छात्र है जो कॉलेज में पढ़ता है, अब यूनिवर्सिटी में जा रहा है या स्कूल में जो पढ़ता है हाई स्कूल में, उसको साइंस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक आप वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार के मार्गदर्शन में हम लोग एक डिपार्टमेंट UGC ने दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट, जी कौशल विकास कैसे करें। तो अब हम इसमें अगर आप देखें तो अमेरिका की हम बात करें, वहाँ पर 52% लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। हम फिर जर्मनी की बात करें, 72% लोगों को, 72 से 75% लोगों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। साउथ कोरिया की बात करें 94%। तो आप देखिए कि वोकेशनल सारे इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं, इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं, और उसमें देखिए कि छोटे लेवल से ही उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ हम बढ़ा रहे हैं। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री का जो अभी आह्वान भी रहा कि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, कैसे उसको बनाएं, तो ये जो हम हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण वोकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक हमारा है बायोमेडिकल साइंसेज, एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, और एक है रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अब सरकार ने जो नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किए हैं कि अगर बच्चा 1 साल पढ़ेगा उसको सर्टिफिकेट, 3 साल पढ़ेगा उसको डिग्री, ये प्रोविज़न हम हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में चालू कर चुके हैं जो कि पिछले 3 साल से चल रहा है। और इसके रिजल्ट क्या मिले हम आपको उससे भी अवगत कराना चाहेंगे कि जितने बच्चे हैं जिन्होंने भी नौकरी की चाह रखी है कि हमको ये कोर्स करने के बाद नौकरी मिल जाए, हमने उनको 100% नौकरी दी है। वाह, बहुत अच्छी बात। ये इन वोकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में हम आपको ये बता रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जैसे हमने साउथ कोरिया का नाम लिया, 94% को पहले से वोकेशनल ट्रेनिंग मिल रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी में ही की तरफ देखें, बल्कि वो ये सारे काम करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब जहाँ तक बेसिक रिसर्च की बात है और साइंटिफिक बात है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो प्रमोट की हैं। जैसे जब हमारे विश्वविद्यालय को सबसे पहले वोकेशनल का प्रोग्राम मिला तो UGC की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसमें दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, इसके तहत UGC ने हमको फंड किया और ये वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करने की परमिशन दी, जिससे कि आज आप देख रहे हैं हमने कई बैचेस निकाल दिए हैं, बच्चे नौकरी में बिल्कुल पहुंच गए हैं। तो हमारा ये मैंडेट है कि किसी बच्चे का समय ना ख़राब हो, अगर 1 साल का बच्चा नहीं किया उसको नहीं अच्छा लग रहा है वो सर्टिफिकेट लेकर निकल जाए, 2 साल किया है डिप्लोमा लेकर निकल जाए, तो उससे बच्चों का समय भी नहीं ख़राब हो रहा है और हम उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग कंपनीज़ में उनको हम प्लेसमेंट भी दे पाए हैं, जो कि ये मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, गर्व की बात है। और साथ ही साथ सरकार ने और बहुत सारी योजनाएं इसके में चलाई हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, उसके तहत वो आपको स्किल की ट्रेनिंग भी देंगे और साथ ही साथ
आपको नौकरी की तरफ भी, चाहे वो आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप हो। हम आपको एक, हमारा बच्चा है नवीन जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट का है, उसने अपना एक वर्मी कंपोस्टिंग का एक पूरा पूरा फॉर्म लगा दिया है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बना है और हर महीने वो कम से कम, इस समय जो अभी उसको 2 साल हुआ है और 50,000 रुपये महीने वो कमा रहा है। जी जी, तो ये जो वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं इसकी बहुत अच्छी, यानी साइंस और जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसका समावेश अगर हो तो वो सोसाइटी के लिए और जो एंटरप्रेन्योर निकल के आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक और प्रश्न आ रहा है, जैसे अभी आपने साउथ कोरिया की बात की है, जर्मनी की बात की है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात की है, तो वहाँ का जो टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, या जो साइंस को ही केवल डेडिकेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब भारत में जो विश्व स्तर के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IITs हैं हमारे, IIMs हैं और NITs हैं, तो ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो केवल साइंस को कैटर करते हैं, यानी साइंस पर आधारित काम करने में उनका, उनकी महारत ज़्यादा है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। तो जो इस तरह के जो काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी संख्या भारत में मैं देख रहा हूँ कि कम है। तो क्या ये एक चीज़ कहीं हमें जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की जो ट्रैजेक्टरी है उसमें कहीं पीछे नहीं लेके जा रही? क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस और नहीं होने चाहिए जो बिल्कुल सिर्फ साइंस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें? जी, आपका बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है और ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जो विदेशों में आप देखेंगे कि तो वो बिल्कुल, अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई कंपनी वैक्सीन बना रही है तो उसी पे डेडिकेटेड है, जो वो साइंस पे ही मतलब पूरा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि यूनिवर्सिटी कल्चर है, तो यहाँ पर हम टीचिंग भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। तो अब आदमी दो जगह पर इंगेज हो जाता है, तो वो टीचिंग भी करना है और रिसर्च भी करनी है। लेकिन साथ साथ, जैसे आपने अभी उदाहरण बताया, ISC बंगलोर की बात कर ली, IITs हमारे हो गए, TIFR हो गए, CCMB हो गए, CSIR के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं, वो केवल रिसर्च पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी संख्या कम है, लेकिन हमारी भारत सरकार इसकी तरफ बहुत ही उसने फंड्स भी दिए हैं और बहुत सारे, जैसे आपने सुना, बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, एम्स की कितनी हमारी सरकार ने जो है उसको खोलने का प्रयास किया है, जो कि आने वाले दिनों में होता क्या है, बाहर हमने महसूस किया है कि जब हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी जितनी है वो मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड है। इसका मतलब मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक साथ अटैच हैं, तो जो वहाँ के चाहे सैंपल्स हों चाहे जो हों, तो वो आराम से फैकल्टीज को मिल जाते हैं और वो लोग बहुत अच्छा शोध करते हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा भी इसमें हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं बहुत सारे और आने वाले दिनों में वो दिखेंगे भी, जिसमें कि अब वो यूनिवर्सिटी को जो है हॉस्पिटल से अटैच कर रहे हैं। अभी जैसे कि हम बात करें कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, अब किसी बच्चे को हेल्थ पे काम कर रहा है तो उसको थोड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी सैंपल्स मिलने की, और ये या दूर से लाना है। हरियाणा में जैसे हम यहाँ पर महेंद्रगढ़ में बैठे हुए हैं तो हमको सैंपल लेने रोहतक जाना पड़ता है, PGI रोहतक से हम लोग लेते हैं। या तो अब अगर ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें एक साथ आ जाएंगी तो शोध का स्तर भी बढ़ेगा, पब्लिकेशन भी बढ़ेंगे, पेटेंट्स भी बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि हम दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में आने वाले दिनों में उभरेंगे, जो कि हमारे सरकार का ये मैंडेट भी है, और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ही इस पे आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम महाशक्ति के रूप में हो सकते हैं आगे उभरें। अब भारत पहले से ही एक IT क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति है, और जैसा मैंने कहा कि पहले ही, क्योंकि एक अर्ली स्टार्ट इंडिया ने ली और फिर आज एक बहुत अच्छे मकाम पर दुनिया में हमारी जो लीडिंग IT कंपनीज़ हैं उनका विश्व पटल पे एक अपनी पहचान है, उनको रिकग्नाइज किया जाता है। तो अब ये तो एक पुरानी बात हो गई है, अब क्या ऐसे जो नए एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निकल के आ रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भारत एक आने वाले समय पे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अब आप देखेंगे कि अभी IT में तो इसने सब जगह, चाहे अमेरिका हो, हमारे भारतीय अपना परचम बुलंद किए हुए हैं, कब्जा कर लिया है उन्होंने उसको, हम कहें तो। अब आप देखेंगे कि डिफेंस कॉरिडोर, एक हमारे भारत में जो है प्रधानमंत्री जी, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न जो डिफेंस को मजबूत करना, तो एक ये डिफेंस जैसे एक एरिया एक अलग सेक्टर में जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने इस पर भी जोर किया है कि इंडिजिनस सिस्टम या इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ, ये हमारे जैसे कि अब कोई मशीन बनानी है जो कि हम आयात करते हैं अलग अलग देशों से, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हम खुद बनाएं,
तो ये जो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें भी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी। इसके अलावा वैक्सीन डेवलपमेंट, अभी आप देखें कोरोना में हमारे भारत बायोटेक का नाम कौन जानता था जी, आज सारी दुनिया जान रही है, क्योंकि वो हमारे देश में एक ऐसी चीज़ है जो कि उसने कोवैक्सीन बना दी। और यहाँ मैं डॉक्टर साहब एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे PSUs, हालांकि PSUs जो हैं वो अलग तरह का काम करते हैं, अनुसंधान के तौर पर, अनुसंधानिक तौर पर वो उतने नहीं जाने जाते, लेकिन फिर भी जो जो हमारा एक कोविड संकट आया था उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSUs ने भी बहुत अपना योगदान दिया और वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक उन्होंने निभाई है। डॉक्टर साहब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि आपका एक बहुत देर से आप अनुसंधान कर रहे हैं, एंटी एजिंग पे काम कर रहे हैं, कैसे जो जो ह्यूमन लाइफ है उसे, क्वालिटी ह्यूमन लाइफ को एक्सटेंड किया जाए, इस पे काम कर रहे हैं, तो हेल्थ में क्या क्या ऐसे सेक्टर्स हैं या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स या हम कहें कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हेल्थ के क्षेत्र में क्या हो रही है, और आज से 25 साल बाद आप इसको पूरी चीज़ को कहाँ देखेंगे? जी, अब इसमें हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज़रूरी है, चाहे हम क्वालिटी लाइफ की बात करें या क्वालिटी लिविंग की बात करें। जब तक कि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ शोध ऑलरेडी कर रहे हैं हम, वैज्ञानिक लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसा आपने कहा कि अगले 25 साल में हम क्या देखते हैं, तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आजकल आई हैं, जिसमें कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेली मेडिसिन। अभी देखिए कोरोना काल में जो है हम जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने टेली मेडिसिन शुरू कर दी कि आप जो है सीधा डॉक्टर से फ़ोन कीजिए, आपको क्लिनिक पर जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप वहीं से उनसे संपर्क कर सकते हैं। 3D टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 3D टेक्नोलॉजी में अब आपके पहले क्या होता था कि लीवर का ट्रांसप्लांट करना है या हार्ट का ट्रांसप्लांट करना है या किसी और ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना है, तो कभी कभी हम दूसरे से लेते थे और वो लगाते थे, लेकिन कभी उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अब ग्राफ्टिंग कभी कभी सक्सेस होती थी, कभी कभी नहीं भी सक्सेस होती थी। 3D टेक्नोलॉजी आने की वजह से वो आपके अंदर का वो देख करके उसी के अकॉर्डिंग वो ग्राफ्ट बनाएंगे, जो कि रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अगले 25 सालों में हम देखें तो अगर ये जो मेडिसिन की बात करें तो ये बिल्कुल इतना अच्छा हो जाएगा। साथ साथ हम आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहेंगे, पर्सनलाइज मेडिसिन की बात कर रहे हैं आजकल। ऐसे क्या होता है कि डॉक्टर गया, उसने देखा कि अच्छा ये दवा दे दी, ये दवा दे दी, ये दवा दे दी, कभी कभी वो देखता है कि हाँ इसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जीन सिक्वेंस कर लिया है पूरा, और उसके बेसिस पर आपके DNA को देख करके वो मेडिसिन आपके लिए ही होगी। बहुत अच्छी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसके अलावा बहुत सारे डायग्नोस्टिक सिस्टम्स आजकल आ रहे हैं, चाहे हम बायोसेंसर्स की बात करें, नैनो बायोसेंसर्स, बायोमार्कर्स भी होते हैं, बायोमार्कर्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से वो निकलते, बायो सिग्नेचर्स की बात करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है, साथ साथ एक और बड़ा एस्पेक्ट जिसको हम लोग जीनोमिक्स बोलते हैं, पूरी की पूरी जीन की स्टडी कर ली गई है, कहाँ जीन को काटना है, कहाँ हम पर टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हो रही है, बहुत फेमस हो रही है, उस पर तो नोबेल प्राइज भी डॉक्टर साहब मुझे लगता है। जी, इस पर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। कुछ लोग इसके परिणाम सोचते हैं, कुछ इसके निगेटिव भी सोचते हैं, लेकिन हमें अच्छे पे देखना चाहिए कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे मानव प्रजाति को नुकसान हो सकता है, ये सारा का सारा काम रोबोट करने लगेंगे या रोबोटिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें आपके शरीर के अंदर के कैसे चीज़ों को ठीक करें बिना ह्यूमन की सहायता लिए हुए, तो हम मुझे लगता है कि ये सारी की सारी जो टेक्निक्स आ रही हैं ये अगले 25 सालों में बहुत रिवोल्यूशनाइज कर देंगी हेल्थ सेक्टर को, बिल्कुल ऐसा बना देंगे कि आपको, आप जाएंगे तो डॉक्टर आपके लिए ही दवा बनेगी वो। ये एक हम मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में बहुत ही रिवोल्यूशन होने वाला है। ये तो बहुत ही एक लैंडमार्क डेवलपमेंट होगा अगर ऐसा जी, होता है तो जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ही हमारे लिए, पूरे प्लैनेट के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पूरे प्लैनेट की अगर हम बात करें तो एक जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ आजकल निकल के सामने आ रही है लोगों के प्रति, लोगों में जो जागरूकता बढ़ रही है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को है। हमें अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट करनी है तो हमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान पहचाना होगा, क्या ये सही है? ये इसमें हम इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर साइंस नहीं होगी तो हम एनवायरनमेंट को अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम उसके दूसरे पक्ष को देखें तो अब जैसे कि कल
अभी मैं सुन रहा था टीवी पर, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2050 तक हमको कोयले का बर्निंग बंद करनी पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है। तो उसमें जो विकसित देश हैं उनसे आह्वान किया गया है कि वो इन चीज़ों को कम करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को रोकें और हमारे एनवायरनमेंट को ठीक रखें। तो लेकिन अब जैसे कि पराली की बात करते हैं, तो पराली जलाते हैं बहुत सारे किसान, लेकिन साइंटिफिक उससे अब एक केमिकल डाला जा रहा है उसमें, जो कि उसको डिकम्पोज कर देगा खेत में ही, उसको खाद बना देगा और वो उसको हमारे किसान उसको कर सकते हैं। तो ये साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। जी जी। तो अब इसमें हम चाहे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करें, चाहे हम सॉइल की बात करें, अब पहले हमने क्या किया कि यूरिया देने लगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन आज हम देखते हैं वही फर्टिलाइजर्स उसको नुकसान कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए साइंस दोनों तरीके से काम करती है, एक अच्छे के तरीके जब हम उसको अच्छे पास पास देखेंगे, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हर हाल में इन्वायरमेंट को सेफ करना है। अगर हमको साइंस को उस सेंस में थोड़ा सा धीमा भी करना पड़े, हमको पहले इन्वायरमेंट को बचाना है, चाहे हमारी सॉइल हो, चाहे हमारी एयर हो, चाहे हमारा वाटर हो, ये सारी चीज़ों को बचाने पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर दूसरी चीज़ अगर हमको उससे कुछ यूज़ लेना है तो हमको करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि साइंस जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है या जो जो ट्रैश आजकल हमारे ओशंस में जा रहा है या जो सीपेज ऑफ केमिकल्स हमारी सॉइल में हो रही है जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए साइंस क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती है या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अभी हाल फिलहाल में हुई हैं जिससे वाकई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने में मदद मिली है। अब जैसे कि हम एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में बात करें या बहुत सारे बहुत मतलब अच्छे स्तर पर नहीं है, तो अब अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि अगले एक साल में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं डीजल का और पेट्रोल का उत्पादन या उत्पादन की बात ना करें उनका यूज़ कम करना होगा, जो कि हमारे एयर पोल्यूशन को ख़राब कर रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगले एक साल में मार्केट में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, तो क्या होगा कि हम डीजल का उपयोग कम कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कम कर रहे हैं। और जहाँ तक डिग्रेडेशन की बात है, ये चाहे हमारा सॉइल का डिग्रेडेशन हो, चाहे हमारा वाटर पोल्यूशन हो, इनको कंट्रोल करने के लिए हर हाल, जैसे कि अब गंगा पोल्यूशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग गंगा नदी में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो है उसको छोड़ती थी, अनट्रीटेड वेस्ट उसको छोड़ देती थी, तो उससे क्या होता था वहाँ पोल्यूशन हो जाता था। जब पोल्यूशन होगा तो उसके अंदर का जो चाहे मछलियाँ हों, चाहे जो उसके जीव जंतु हों, वो मरने लगते थे, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो हमारी सरकार ने क्या किया है कि उसको गंगा में प्रवाहित ना करके उनको अलग से डिकम्पोस्टिंग के जो है बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं कि आप यहाँ इसको डिकम्पोज कीजिए, और उन गवर्नमेंट ने ये भी रेगुलेटरी बॉडीज़ बना दी हैं कि भाई आप ऐसे कचरा फेंक नहीं सकते हैं कहीं पर भी, आपको एक जगह है वहाँ पर इसको डालिए, वहाँ पर इसकी डिकम्पोस्टिंग होगी और उसको जैसे यूज़ किया जाएगा तो वो कर सकते हैं। और ये सब वैज्ञानिक पद्धति से एक बाकायदा बिना किसी को नुकसान पहुँचाए इनको हम लोग डिग्रेड करेंगे, तो ऐसी चीज़ों में ऐसा मेरा मानना है कि विज्ञान बहुत ही मदद करेगी और इन्वायरमेंट को सेफ और अच्छा रखेगी। बहुत अच्छा। तो दर्शकों, हमने आज ये देखा कि हमारे जीवन का कोई भी ऐसा एक पहलू साइंस से अछूता नहीं है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारी मोबिलिटी है, यातायात है, चाहे वो एनर्जी है, कुछ भी है, वो साइंटिफिक डिवेलपमेंट की बुनियाद पर ही खड़ा है। तो डॉक्टर साहब, आपने वर्ल्ड साइंस डे के उपलक्ष में इतनी अच्छी और इतनी विस्तृत जानकारी विभिन्न विषयों पर हमारे दर्शकों के लिए दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। शुक्रिया।